पहला स्टॉक जुबिलेंट फूड, पुणे से नरेश जैन का सवाल है। 1410 में इन्होंने से खरीदा है, मुनाफा हो रहा होगा, 50 शेयर हैं यहाँ पर, प्रॉफिट 6.85 रुपए का। वेल, होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्टॉक मुझे लगता है, अपसाइड ऑन है, शायद 1440 भी देखने को मिल सकता है जुबिलेंट फूड। SRF जिगमत पूछ रहे हैं क्या करें, 1902 रुपए में इन्होंने से खरीदा था, 10 शेयर होल्ड करते हैं SRF के। Well, अब तो वीकनेस है, बेसिकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन अब ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है यहाँ से शायद एक सपोर्ट मिले, और सपोर्ट करीब 1600 के आसपास है, तो इन्होंने जब इतना होल्ड किया तो होल्ड कीजिए, लेकिन अपमूव अगर मिलता है तो उसका एडवांटेज लेकर निकल जरूर जाइएगा। GSFC चंडीगढ़ से राजकुमार होल्ड करते हैं, 450 शेयर, 147 रुपए में इन्होंने इसे खरीदा था, नुकसान काफी हो रहा है। नुकसान भुगतना पड़ेगा क्योंकि वीकनेस में है, स्ट्रक्चर वीक है, और लगता है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, तो लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। एग्जिट पटेल इंजीनियरिंग, सरिता दुबे 200 शेयर होल्ड करते हैं, 52 रुपए की खरीद है इनकी, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 10 रुपए का नुकसान है, एग्जिट, वीक स्ट्रक्चर। इरोज इंटरनेशनल कोलकाता से सुकांता का सवाल, 100 शेयर, 164 रुपए बाइंग प्राइस, लॉस 39 रुपए पर शेयर, यहाँ पर भी नुकसान बुक कर लेना चाहिए क्योंकि है वीक स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रेंथ मुझे नजर नहीं आती। प्रभात डेयरी नासिक से अमृतलाल देशपांडे के पास है, प्रभात डेयरी के 200 शेयर, 125 की खरीद, 125 प्रॉफिट बुक कर लीजिए प्लीज, मुनाफा तो मिल रहा है। ठीक है, प्रभात डेयरी में प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए। NCC नासिक से गीता जी पूछ रही हैं, 1000 शेयर उनके पास हैं, इन्होंने से खरीदा था 122 पर, लॉस हो रहा है NCC में, यहाँ पर भी वीकनेस है, लोअर लेवल्स में सपोर्ट करीब 84 के आसपास है, काफी दूर है मेरे ख्याल से। वेल, अगर झेल सकते हैं तो झेल लीजिए, लेकिन सपोर्ट आसपास है, लेकिन है वीक स्ट्रक्चर क्योंकि रेसिस्टेंस ऊपर रीजन पे 108 के आसपास है, तो मौका मिलता है अप मूवमेंट निकलने का तो निकल जाइएगा। बॉम्बे डाइंग 200 शेयर, 221 की खरीद, कल्याण का सवाल, होल्ड करना चाहिए मुझे लगता है, यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है, बेचने की जगह कुछ इनके कॉस्ट के ऊपर ही मिलेगा और 260 भी जा सकता है, बेसिकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है लेकिन करेक्टिव मोड अब लगता है खत्म हो रहा है। LT Foods 1000 शेयर, 87 रुपए में उपेंद्र जी ने खरीदा हुआ है, यहाँ पर मुझे नुकसान लगता है नजर आएगा क्योंकि वीक स्ट्रक्चर और काफी गिरावट अपर रीजन में आ रही है, लोअर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो एग्जिट। HCC सागर परदेशी का सवाल, 1000 शेयर, 24 इनकी बाइंग प्राइस, एग्जिट, वीक स्ट्रक्चर, ब्रेकडाउन हो गया है स्टॉक में। ओके, अदानी पोर्ट से अगला स्टॉक, जयपुर से पवन, 50 शेयर होल्ड करते हैं, 150 रुपए में खरीदा था, अडानी पोर्ट 150 में खड़ा, 360 मिल रहा है पैसा, निकाल लीजिए पैसा क्योंकि थोड़ा और भी गिरावट आ सकती है अडानी पोर्ट में, री एंटर करना है तो 280 के आसपास री एंटर कर सकते हैं, फिलहाल तो पैसा निकाल लीजिए। ठीक है, शानदार मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर से री एंट्री ले सकते हैं आप। KM शुगर पर है फरीदाबाद से आनंद का सवाल, 1000 शेयर होल्ड करते हैं, 10 रुपए में खरीदा था इन्होंने। KM शुगर, मैं चार्ट निकाल लेता हूं यहाँ पर, यस, यहाँ पर लगता है कि वीक है, निकल जाना चाहिए, एग्जिट, क्लियर कट। ओके, अगला स्टॉक आपके लिए लेकर आते हैं HFCL, जैसलमेर से प्रकाश पूछ रहे हैं इस पर सवाल, 300 शेयर है इनके पास, इन्होंने से 16 रुपए पर खरीदा था, सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए 26 रुपए का, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो कम से कम आपका 10 रुपए का मुनाफा मिल सकता है, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक में वहीं पर एक सपोर्ट है, होल्ड कीजिए, शायद एक अप्पू मिले, अगर अप्पू मिलता है तो कहाँ निकल जाए, कम से कम आधा पैसा तो निकाल ही लीजिए, बाकी पर 26 का स्टॉप लगाइए, और एक 36 का लेवल देता हूँ, ध्यान दीजिए, अगर 36 कर लेता है अपसाइड तो फिर और अप्पू मिल सकता है, लेकिन आधा पैसा तो कम से कम निकाल लेना चाहिए। बाजार आपको अभी दबाव में दिखेगा, सेंसेक्स में 14 अंकों की गिरावट, निफ्टी में 22 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार, लेकिन सबसे ज्यादा हिट लेते हुए यहाँ पर मिड कैप 170 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर हो रहा है कारोबार। नागपुर से रोहित अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नमस्ते रोहित जी, स्वागत है आपका सौदा आपका में, कैसे मदद करें आपकी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, एक्चुअली मैम मेरे पास दिलीप बिल्डकॉन के 100 शेयर है 940 के रेट से, एंड 200 शेयर ऑफ HCL टेक एट 1030। ओके, बहुत नुकसान, आपकी खरीद काफी ऊंची रही है दिलीप बिल्डकॉन में और HCL टेक में भी आपको लॉस ही हो रहा है, दोनों में ही आप लॉस पर बैठे हुए रोहित जी,
चलिए पूछते हैं सवाल प्रकाश जी से। प्रकाश जी, दोनों ही काउंटर्स जो हैं रोहित को काफी लॉस दे रहे हैं। दिलीप बिल्डकॉन खरीद 940 की रही है, अब तो 700 के जोन में नजर आ रहा है। एचसीएल टेक भी इन्होंने 1030 पर खरीदा है, अब क्या करना चाहिए यहाँ रोहित जी को? वेल, दिलीप बिल्डकॉन से तो निकल जाना चाहिए क्योंकि है वीक स्ट्रक्चर, नहीं निकलेंगे तो और गिरावट होगी। आज भी कुछ मुझे लगता है 5% सर्किट डाउन में है, तो वीक मौका निकलने का भी चाहे तो भी नहीं निकल सकते, वीक स्ट्रक्चर से निकल जाना चाहिए। रही बात एचसीएल टेक की, वेल यहाँ पर शायद होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब सपोर्ट जोन के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है, 900 का सपोर्ट है, होल्ड कीजिएगा, अब मुंह फिर मिलेगा, 1000 के ऊपर भी जोन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वक्त लगेगा। ठीक है, तो रोहित आपका बाइंग प्राइस 1030 रहा है, वहां जाएगा स्टॉक, लेकिन आपको होल्ड करना होगा एचसीएल टेक में, थोड़ा सा इंतजार। लेकिन दिलीप बिल्डकॉन जब भी मौका मिले, सर्किट में शायद अभी मौका नहीं मिले, लेकिन जब भी मौका मिले वहां से एग्जिट कीजिए। प्रकाश गाबा कह रहे हैं आपको ये। थैंक यू प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला सदा आपका के लिए। और प्रकाश जी के साथ साथ मुझे भी शो में यहीं दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।